बांदा कलेक्ट्रेट में उस समय हंगामा हो गया जब जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर एक बम दिखाई दिया। इस खबर की सूचना जल्द ही पूरे परिसर में फैल गई और लोगों के हलक सूख गए। बम की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जब जांच की तब पता चला कि ये महज पटाखा है जिसे नकली बम का रूप दिया गया है। एक सूचना आई थी कि कोई संदिग्ध वस्तु ऐसी पड़ी है जो साइज में यद्यपि छोटी है लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद बम भी हो। ऐसी सूचना पर तुरंत चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर साहब और मैं वहाँ पर पहुँचे। वहाँ देखा तो देखने से प्रतीत हो गया था कि ये बम नहीं है क्योंकि बम का जो मैकेनिज्म होती है कुछ और होती है और इतना छोटा सा था और इसका शूट से पटाखा महसूस हो रहा था। तो उसको देखा गया तो पुलिस ने अपने कब्जे में लिया उसको, वो पटाखा ही निकला और इसकी जांच ही करवाई जा रही है कि आखिर वो वहाँ पहुँचा भी कैसे था। पटाखा भी है तो भी कैसे पहुँचा, किसी बच्चे ने फेंका या फिर शरारत कोई वहाँ पर डाल गया है। तो इस चीज़ की जांच करवाई जा रही है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकलवाए जा रहे हैं, उसके आधार पर काम कर रही है। इस दौरान पूरे परिसर में हंगामा हो गया लेकिन नकली बम भी जिलाधिकारी के दफ्तर के पास कैसे पहुंचा ये जांच का विषय है। बांदा से जफर अहमद, पंजाब केसरी टीवी।